आज हमारा टॉपिक है बायो पेस्टिसाइड बीटी क्रॉप्स आर बीटी कॉटन। ये सभी चीजें एक दूसरे के अंतर्गत ही अध्ययन की जाती हैं। तो सबसे पहले हम जो है समझने का प्रयास करते हैं कि बायो पेस्टिसाइड्स क्या है। अगर हम इसको जो है तोड़ें तो हमको यहाँ पे जो है तीन शब्द मिलेंगे, बायो, पेस्ट और साइड। बायो जो है शब्द है बायोस से, बायोस जिसका मतलब होता है लाइफ, पेस्ट जो है स्मॉल इंसेक्ट हैं, स्मॉल इंसेक्ट, और साइट जो शब्द है इसका मतलब होता है किलर, किलर। इसका अगर हम इंटीग्रेशन करें तो हम पाते क्या हैं कि जब किसी भी जीवधारी का इस्तेमाल स्मॉल इंसेक्ट को जिसको हम पेस्ट कहते हैं उसको किल करने के लिए किया जाता है तो उसको हम जो है कहते हैं बायो पेस्टिसाइड। तो ये मतलब समझ में आ गया कि बायो पेस्टिसाइड्स आर दोज केमिकल्स विच इज यूज टू किल द पेस्ट। अब बात आती है कि ये बीटी क्रॉप्स क्या है, ये बीटी शब्द कहां से आया है। ये बीटी शब्द जो है एक बैक्टीरिया से आता है जिसको हम कहते हैं बैसिलस थुरीजिनेंसिस, थुरीजिनेंसिस। बैसिलस थुरीजिनेंसिस एक बैक्टीरिया होता है, उसी के नाम पे जीनस से बी और स्पीसीज के नाम पे जो है ये टी शब्द आता है। तो वो सभी प्लांट्स या क्रॉप प्लांट्स जिनके अंदर बैसिलस थुरीजिनेंसिस के जीन्स को हम इनकॉर्पोरेट करके उसको पेस्ट को किल करने के लिए तैयार करते हैं उनको हम जो है बीटी क्रॉप्स के रूप में जानते हैं। एक्चुअली दे आर ट्रांसजेनिक्स आर जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट्स, जिसका मतलब आप समझते ही हैं कि जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट्स वे पौधे होते हैं जिनके जीन के अंदर अल्टरेशन होता है, मॉडिफिकेशन होता है। अर्थात इसके अंदर या तो कुछ जो है जीन्स इनकॉर्पोरेट किए जाते हैं या कुछ जीन्स जो है यहां से डिलीट किए जाते हैं जीन क्लोनिंग के दौरान। तो ऐसे ही पौधे ये हैं। अब उन पौधों के अंदर अगर हम बैसिलस थुरीजिनेंसिस के जीन्स को इनकॉर्पोरेट कर दें तो वो भी जो है रेजिस्ट कर जाता है या जो पेस्ट है उनको किल करने का कार्य करता है, तो इसलिए उसको हम जो है बीटी क्रॉप्स के रूप में जो है जानते हैं। अब बीटी कॉटन एक तरह का जो है बीटी क्रॉप ही है जो कपास के अंदर जो है डेवलप हुआ, इस बीटी टॉक्सिन को इनकॉर्पोरेट करा करके उसको डेवलप किया गया, इसलिए इसको जो है बीटी कॉटन के रूप में जानते हैं। अब समझने का प्रयास करते हैं कि ये बीटी या बेसिलस थुरीजिनेंसिस जो है किस तरह का कार्य करता है जिससे ये पेस्टिसाइड्स जो है तैयार होते हैं। अब यहाँ पे समझिए कि ये बेसिलस थुरीजिनेंसिस होता क्या है। ये एक बैक्टीरिया है जो सॉयल के अंदर लीटर के अंदर, लीटर लीटर का मतलब है पार्शियली डिकम्पोज्ड मटेरियल्स,
उसको जो है हम लीटर जो है कहते हैं। तो ये जो है पेड़ पौधों की जो टहनियां हैं वो सॉइल के ऊपर जो है गिरती हैं, तो उनको हम जो है लीटर कहते हैं। तो लीटर्स के अंदर और कुछ जो इंसेक्ट हैं इनके गट के अंदर भी ये पाए जाते हैं। तो बेसिकली जो है आप समझिए कि बेसिलस थुरिंजिनेंसिस एक बैक्टीरिया है जो कि स्पोर प्रोड्यूस करता है। स्पोर प्रोड्यूसिंग है और वो सॉइल के अंदर लीटर के अंदर इंसेक्ट के गट के अंदर जो है पाया जाता है। और आमतौर पे ये पैरासिटिक जो बैक्टीरिया की तरह से भी काम करते हैं। पैरासिटिज्म आप जानते हैं कि पैरासिटिज्म इज दोज कंडीशन इन विच वन ऑर्गेनिज्म डिपेंड्स अदर ऑर्गेनिज्म फॉर देयर न्यूट्रिशन। तो वो पैरासिटिज्म की जो है बात है, तो ये पैरासिटिज्म भी शो करते हैं। तो ये बैसिलस थुरिंजिनेंसिस के बारे में थोड़ी सी जानकारी है। अब ये करते क्या है, बैसिलस थुरिंजिनेंसिस जो है टॉक्सिक मटेरियल सीक्रेट्स करते हैं। टॉक्सिक मटेरियल्स, टॉक्सिक मटेरियल्स जो है सीक्रेट करते हैं जो कि कुछ इंसेक्ट को किल करने का कार्य करता है। तो पहली चीज ये समझिए कि ये बैसिलस थुरिंजिनेंसिस टॉक्सिक मटेरियल सीक्रेट करते हैं जो कि किल करते हैं किसको, कुछ स्पेसिफिक जो इंसेक्ट्स होते हैं उनको, जैसे लेपिडोप्टेरेंस, कोलियोप्स टीरेंस, लेपिडोप्टेरेंस, कोलियोप्टेरेंस एंड डिप्टेरेंस, डिप टीरेंस, ये कुछ इंसेक्ट्स के ग्रुप हैं जिनके अंदर जो है कुछ इंसेक्ट आते हैं, उनको ये किल करने का काम करते हैं। इसमें बीटल्स आते हैं, इसमें टोबैको जो है के इंसेक्ट्स आते हैं, जिसमें आर्मी जो है वार्म है, टोबैको उल वार्म है वो उसके अंदर जो है आते हैं। डिप्टेरेंस भी होते हैं जो है जिसके अंदर फ्लाइज मॉस्किटो ये सब आते हैं, फ्लाइज मॉस्किटो क्यूटो। तो ये क्या करता है, ये टॉक्सिक मटेरियल्स जो है वो बेसिलस से निकलता है और वो कुछ जो है इंसेक्ट को किल करने का कार्य करता है। अब ये टॉक्सिक मटेरियल क्या है, ये कई तरह के टॉक्सिक मटेरियल्स इसके अंदर हैं, अल्फा बीटा डेल्टा, ये तो जो है एक्सोटॉक्सिन है, एक्सोटॉक्सिन, और बीटा इंडोटॉक्सिन टॉक्सिन। तो ये जो मटेरियल्स हैं, ये टॉक्सिक मटेरियल्स जो है वो बैसिलस के अंदर जो है सीक्रेट्स होते हैं। और इनका जो है कार्य क्या होता है, वो इन जो भी कीड़े मकोड़े हैं इनको किल करने का काम करते हैं। होता कैसे है, ये जो टॉक्सिन्स हैं वो कैसे
इनको किन करते हैं, उसके मैकेनिज्म को हम समझने का प्रयास करते हैं कि मैकेनिज्म क्या है, कि जब एक्टिव ग्रोथ हो रही होती है, बैसिलस थुरिंजिनेंसिस जब एक्टिव ग्रोथ कर रहा होता है और एक सर्टेन स्टेज के बाद जब इसके अंदर स्पोरुलेशन का समय आता है, मतलब स्पोर प्रोड्यूशन प्रोडक्शन का समय आता है, तब यह जो है कुछ टॉक्सिक मटेरियल्स जो कि क्रिस्टल फॉर्म के अंदर होते हैं, क्रिस्टल जो है प्रोटीन का निर्माण करता है, बात समझिए कि जब बैक्टीरिया स्पोरुलेशन की अवस्था पे आता है तो वो अपने अंदर कुछ क्रिस्टल प्रोटीन का निर्माण करता है। इस क्रिस्टल प्रोटीन के अंदर फिर इंसेक्टिसाइड टॉक्सिक प्रोटीन होता है, मतलब क्रिस्टल प्रोटीन अपने अंदर जो है इंसेक्टिसाइडल डल टॉक्सिक प्रोटीन को रखता है, और ये इंसेक्टिसाइडल प्रोटीन्स जो होते हैं वो जब डेवलप हो जाते हैं तो वो इन कीड़ों को किल करने का कार्य करते हैं। अब बात आती है कि ये इंसेक्टिसाइडल टॉक्सिक प्रोटीन्स जब बैक्टीरिया ने बैसिलस थुरिंजिनेंसिस में प्रोड्यूस किया तो ये उसको क्यों नहीं किल करते। तो होता क्या है कि ये जो इंसेक्टिसाइडल जो प्रोटीन है वो सबसे पहले क्रिस्टल प्रोटीन के रूप में रहता है, और ये जो है उस समय जो इसकी स्थिति होती है वो एक्टिव नहीं होता है, ये क्या होता है प्रोएक्टिव होता है। क्रिस्टल फॉर्म में ये क्या है, ये प्रोएक्टिव है। अब ये प्रोएक्टिव प्रोटीन्स जो है वो एक्टिव कब होता है, जब इसको एल्केलाइन पीएच मिलता है, तो ये क्या हो जाता है एक्टिव प्रोटीन के अंदर जो है आ जाता है। अब ये एक्टिव प्रोटीन क्या है, किसको हम एक्टिव प्रोटीन कह रहे हैं, होता क्या है, कहानी समझिए कि जब कीड़ा इस क्रिस्टल प्रोटीन को ईट करता है, खाता है, तो यह जो है उसके गट के अंदर जो है पहुंचता है, और वहां का जो पीएच होता है वो एल्कलाइन होता है। तो ये एल्कलाइन पीएच क्या करता है, इस क्रिस्टल प्रोटीन्स को जो है डिजॉल्व कर देता है। ये पहले जो है क्रिस्टल के रूप में था, सॉलिड था, अब ये क्या हो जाता है डिजॉल्व हो जाता है। जब ये डिजॉल्व हो जाता है, सॉल्युबल हो जाता है, तो उस समय प्रोटीएजेज एंजाइम्स क्या करते हैं, इस प्रोटीन्स के जो एमिनो एसिड्स हैं उनको जो है ब्रेक कर देते हैं, और जब वो ब्रेक हो जाते हैं, अलग अलग हो जाते हैं, तो ये इंसेक्टिसाइडल प्रोटीन्स जो है वहां पे इस क्रिस्टल प्रोटीन से बाहर निकल आता है और वो एक्टिव हो जाता है। जब ये एक्टिव हो जाता है तो ये टॉक्सिक प्रोटीन क्या करता है कि इंसेक्ट का जो गट है एलिमेंट्री कैनाल का, उसकी इपिथीलियल वाल से जाकर के जुड़ जाता है, और वहां पे ये क्या करता है कि पोर क्रिएट्स करता है, छिद्र क्रीम जो है बनाता है, और वो पोर जो है फिर बाद में
जो है स्वेल हो जाते हैं, फूल जाते हैं और अल्टीमेटली जो है इस इंसेक्ट की डेथ हो जाती है। तो इसको समझने का जो है प्रयास करिए क्या कि ड्यूरिंग द टाइम ऑफ स्पोरिलेशन बैसिलस थुरिजिनेंसिस प्रोड्यूस ए प्रोटीन विच इज नोन एज क्रिस्टल प्रोटीन्स एंड इन द क्रिस्टल प्रोटीन्स इट कंटेन्स इंसेक्टिसाइडल टॉक्सिक प्रोटीन्स। उसके बाद क्या होता है कि ये जो है प्रो एक्टिव फॉर्म में होते हैं, मतलब जो है वो एक्टिव उस समय नहीं होते हैं, इनको एक्टिव होने के लिए एल्केलाइन पीएच की आवश्यकता पड़ती है। जब इंसेक्ट इसको ईट करता है तो ये उसके गट के अंदर आ जाते हैं जहां का पीएच जो है एल्केलाइन होता है और उस दौरान ये जो है डिजॉल्व हो जाते हैं और एक्टिव प्रोटीन्स के अंदर हो जाते हैं और ये एक्टिव प्रोटीन्स फिर जो है इंसेक्ट की गट की एपिथेलियम से जुड़ करके उसके अंदर पोर क्रिएट करता है और फाइनली जो है स्वेलिंग होकर के इंसेक्ट्स जो है मर जाते हैं। तो ये तो जो है बात रही कि ये किस तरह से जो है ये काम करता है। अब बात आती है कि इसका इस्तेमाल हम एक बायोपेस्टिसाइड्स के रूप में जो है कैसे करते हैं। तो बायोपेस्टिसाइड्स के रूप में दो तरीके जो है अपनाए जा सकते हैं इनको जो है इस्तेमाल करने का। पहला क्या है कि इसके जो स्पोर्स हैं उनको जो है सस्पेंडेड फार्म में पाउडर फार्म में जो है वो दूसरे पौधों के ऊपर जो है उसका छिड़काव किया जाए या इसके सॉल्यूशंस को जो है तैयार करके जो है वो दूसरे पौधों के ऊपर जो है स्प्रे किया जाए ताकि वो उससे जो है बच पाए। और तीसरी चीज ये है कि इनके जीन्स को, इस क्रिस्टल प्रोटीन्स के जीन्स को हम जो है दूसरे पौधों के अंदर जीन क्लोनिंग की टेक्निक के द्वारा जो है इनकॉर्पोरेट करके ट्रांसजेनिक्स जो है वो डेवलप करें या जीनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट डेवलप करें जो है वो क्या करेगा अपने आप अपना बचाव करेगा, उसके लिए किसी भी इंसेक्टिसाइड या पेस्टिसाइड्स की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो ये तो एक तरीका हो गया जिसमें स्पोरिलेशन। अब उसके लिए क्या होता है, ये क्रिस्टल प्रोटीन के लिए जो है जो जीन्स जिम्मेदार होता है उसको हम जो है कहते हैं क्राई जीन्स। जो क्रिस्टल क्राई जीन्स क्या करता है, ये क्रिस्टल प्रोटीन्स को प्रोड्यूस करता है, क्रिस्टल प्रोटीन्स। अब अगर हम इस क्राई जीन्स को इस बेसिलस थुरिजिनेंसिस से आइसोलेट कर लें और उसको जो है हम वेक्टर के अंदर इनकॉर्पोरेट करा करके उसकी जीन क्लोनिंग करा लें तो फिर जो है उसको अगर हम पौधे के अंदर ट्रांसफर कर देते हैं तो बच जाता है। तो ये जीन जो क्राई जीन्स हैं वो देखा गया है कि इस बैक्टीरिया के जो है प्लाज्मिड्स पे होते हैं, प्लाज्मिड्स पे होते हैं। प्लाज्मिड क्या है, मैंने आपको पहले ही बताया है कि प्लाज्मिड जो है एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डबल स्ट्रैंडेड स्ट्रक्चर होता है, रिंग स्ट्रक्चर होता है जिसके अंदर सेल्फ रेप्लिकेशन की क्षमता होती है। तो ये उसके जो है क्रोमोसोम्स के ऊपर नहीं होकर के प्लाज्मिड्स के होते हैं, प्लाज्मिड्स तो होते हैं। तो सबसे पहले हम प्लाज्मिड से क्राई जीन्स को आइसोलेट करते हैं और क्राई जीन्स को आइसोलेट करने के बाद हम जो है वेक्टर के अंदर इसको जो है इनकॉर्पोरेट कर देते हैं। वेक्टर जो है हायर प्लांट्स के केसेस में आप जानते हैं कि जो है एग्रोबैक्टीरियम्स को जो है लिया जाता है, तो एग्रोबैक्टीरियम्स जो है वेक्टर है, ये एग्रो बैक्टीरियम जिसको जो है टीआई प्लाज्मिड कहते हैं और इसके अंदर हमने जो है क्या किया, ये क्राई जीन्स को जो है जोड़ करके इसको फिर जो है हमने बैक्टीरिया के अंदर ट्रांसफर कर दिया जो होस्ट बैक्टीरिया है और वहां वो ये अपनी कई सारी प्रतिरूप तैयार कर लेता है और फिर इसको जो है हम जो है पौधों के अंदर ट्रांसफर कर देते हैं और वो क्या हो जाते हैं जेनेटिकली मॉडिफाइड जो है प्लांट्स के रूप में आ जाते हैं। यहाँ एक चीज
और ध्यान रखने की है कि ये क्राइजिन्स जो है वो अलग अलग इंसेक्ट्स के लिए जो है बड़े स्पेसिफिक होते हैं। फॉर एग्जाम्पल काटन में अगर देखें तो यहां पे आपको दो तरह के जीन्स देखने को मिलते हैं, क्राई फर्स्ट ए बी, क्राई सेकेंड ए सी और क्राई फर्स्ट ए बी। मतलब अगर जो है हम काटन प्लांट्स को जो है कंसीडर करें तो वहां पे हमको जो है ये स्पेसिफिक जीन्स जो है देखने को मिलते हैं, क्राई फर्स्ट ए बी और क्राई सेकेंड ए सी। ये दोनों जो है काटन के जो बॉल वार्म के लिए होते हैं, जो बॉल वार्म है उसके लिए जो है जिम्मेदार होते हैं, उसको किल करने का जो है काम करते हैं। और ये जो है कॉर्न बोरर के लिए होता है, बोरर जो स्टेम्स को जो है बोर करने के लिए होते हैं, स्टेम्स को जो है छेद बना करके उसकी यील्डिंग को जो है कम करते हैं, तो उनके लिए जो है क्राई फर्स्ट ए बी का जो है इस्तेमाल किया जाता है। तो यहाँ ये भी ध्यान रखना है कि जो है हमको जिस पौधे के अंदर जिस इंसेक्ट या पेस्ट के लिए उसको रेजिस्ट बनाना है उसी के स्पेसिफिक जीन्स को आइसोलेट करना पड़ेगा, उसको वेक्टर के अंदर जो है इनकारपोरेट करके रिकॉम्बिनेंट डीएनए तैयार करना पड़ेगा और फाइनली उसकी जीन क्लोनिंग करा करके फिर उसको जो है नया पौधे के अंदर जो है डेवलप कराना पड़ेगा। तो इस तरह से ये जो है हमने आज समझा बायोपेस्टिसाइड, बीटी क्रॉप या बीटी काटन। बीटी काटन के अतिरिक्त भी और जो है बीटी क्रॉप्स हैं, जैसे बीटी ब्रिंजल जो है, बीटी टोमेटो जो है, तो ये कई तरह के जो है पौधे आज के डेट में जो है ग्रो किए जा रहे हैं।